महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतरही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील चर्चेचं गुऱ्हाळ अजून सुरूच आहे. किमान समान कार्यक्रमावर सहमती झाल्याशिवाय आम्ही पुढची दिशा ठरवणार नाही असं आघाडीकडून मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आलंय. अहमद पटेल, वेणुगोपाल राव आणि मल्लिकार्जुन खरगे या काँग्रेसच्या तीन प्रमुख नेत्यांनी मुंबईत येऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसशी चर्चा केली. या बैठकीनंतर दोन्ही पक्षांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी संयुक्त निवेदन देखील सादर करण्यात आलंय. या निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे काँग्रेस राष्ट्रवादी दोन्ही पक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीबाबत चर्चा झालीये. मात्र कोणताही ठोस निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व शंकांचं निरसन होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे यावर सहमती झाल्यानंतरच पुढील दिशा ठरवता येईल असं महाआघाडीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रकार परिषदेची यावेळी सुरुवात केली. त्यांनी बैठकीची माहिती दिली. दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांची चर्चा झाली असून संयुक्त पत्रक बनवलंय. शिवसेनेनं काल अधिकृत संपर्क केला. कोणत्याही निर्णयापूर्वी आमची बैठक होणं गरजेचं होतं. दोन्ही पक्षांची निवडणुकीत आघाडी झालेली आहे. शिवसेनेच्या पाठिंब्याबाबत व्यापक चर्चा झालीय. दोघांच्या सहमतीनंतर निर्णय घेऊ असं प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटलंय. अगोदर आधी दोन मित्रपक्षांची चर्चा मगच शिवसेनेशी चर्चा ही आमची भूमिका स्पष्ट आहे असं काँग्रेस नेते अहमद पटेल आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलंय. काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद साथी आज राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश की गई है गवर्नर की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. मैं समझता हूँ कि मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ. सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है पिछले 7-5 साल में इसी सरकार ने किसी भी गाइडलाइन का कहीं पे भी चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे गोवा हो चाहे अरुणाचल हो और भी राज्यों में अपनी मनमानी की है और इसकी मैं जितनी निंदा करूं उतनी कम है. लोकतंत्र जो निर्णय उन्होंने लिया है जो सिफारिश की है मैं समझता हूं ये लोकतंत्र और संविधान की मजाक उड़ाने की कोशिश उन्होंने की है. और गवर्नर साहब को भी पहले बीजेपी को बुलवाया गया फिर शिवसेना को उसके बाद एनसीपी को भी न्योता आया लेकिन कांग्रेस को कहीं पे कोई भी न्योता नहीं आया या आमंत्रित नहीं किया गया. मेरे ख्याल से ये एक गलत बात हुई है. तो आप अभी इसके बारे में जो भी प्रश्न पूछना चाहें जैसे स्टेटमेंट आपके साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट आ ही गया है कल पहली बार हम लोगों को अप्रोच किया गया था और उसके बाद तुरंत कांग्रेस प्रेसिडेंट ने शरद जी से भी बात की और उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता होनी बहुत ही जरूरी है. वहां तक कैसे लेटर दिया जा सकता है. तो उसी लिए आज सुबह में फिर से बात हुई कांग्रेस अध्यक्ष की शरद जी से और शरद जी ने कहा कि यहाँ आ जाए तो हम लोग बात कर लें. तो उसी के परिणाम स्वरूप क्योंकि हमारी सहयोगी रही है चुनाव से पहले भी और अभी भी हमारी सहयोगी है उनको कंसल्ट किए बिना हम कोई निर्णय पे नहीं आ सकते. तो इसीलिए आज यहाँ पे आज हम आए हुए थे बैठक हुई और स्टेटमेंट आपके सामने है. धन्यवाद. क्या बातचीत हुई? कल पहली बार जैसे अभी कहा गया कि अधिकृत तरीके से पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट को फोन किया था हमने और उन्होंने सपोर्ट के लिए कहा था कि हमें समर्थन दीजिए लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे जो सहयोगी है उनसे साथ हम बात करें. शाम को 7:30 बजे से पहले से बात हुई और ये तय किया गया कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पे स्पष्टीकरण करना जरूरी है उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए. स्टेटमेंट में बहुत ही क्लियरली कहा गया है ऐसी कोई अभी बात नहीं है लेकिन स्टेटमेंट में ये है कि पहले हम लोग बात करें कुछ बिंदुओं पे स्पष्टीकरण हो जाए उसके बाद शिवसेना के साथ स्पष्टीकरण हो जाए उसके बाद फैसला होगा. क्या विचारधारा का टकराव सामने नहीं आएगा और जिस
वो आपका मंतव्य हमने जैसे कहा स्टेटमेंट हमारा बहुत ही क्लियर है कि पहले दोनों अलायंस के बीच में चर्चा होगी, उसके बाद ही वेदर प्रिंसिपल ही विल गो विद शिवसेना और नॉट डेप्यूटी सर। ऐसा ना पास जीटी में आप पवार साहब जैसा सुनील जी ने इसी में जुड़ा हुआ सवाल है कि आप साम्प्रदायिकता का पूरा एक तरह से शिवसेना के ऊपर एक स्टैंप है, ऐसे में कितने कंफर्टेबली आप लोग उनसे सोच भी अगर रहे तो कैसे सोच रहे हैं, सरकार बनाने की बातें चल रही है, यही सवाल। अभिषेक बनाने की बात हमारे बात क्लियर थी, बात क्लियर है, आपस में हम पहले डिस्कस करेंगे इश्यूज, सरकार बनाने के बाद जो आएगी इस पर बहस करेंगे और आगे सरकार बनने तक हम पहुँचेंगे तो स्मूथली कैसे चलेगा, इसकी नीति क्या रहेगी, इसका प्रोग्राम क्या होगा, इसमें जब तक सफाई नहीं होती तब तक हमें आगे जाना मुश्किल। अमन ए नहीं, अमन ए नहीं, प्लीज प्लीज जरा रुकिए अमन। पवार साहब पहले एक आप रुकिए ना, प्लीज प्लीज आपको दिया जाएगा समय, प्लीज अमन बोलिए। सर आपने कहा कि एनसीपी कल शिवसेना ने पहली बार अधिकृत तौर पे आप लोगों को अप्रोच किया है तो आप लोग अब जो है बातचीत आगे करेंगे, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है उस पर क्या होगा, उसको क्या उसको लेकर किस तरह आगे बात होगी? बात ऐसी है, हमने अभी बात करने की प्रक्रिया शुरू की है, जब हमारा डिस्कशन करने की परिस्थिति आ जाएगी और हमारी आइडियोलॉजी मद्देनजर रखकर हम आगे जाने के लिए हम कदम उठाएंगे। सवाल रिपीट हो रहे हैं, प्लीज रिपीट ना करें। छिड़के छिड़के सर एक सवाल आपसे है, अहमद भाई की शिवसेना के साथ किससे बात आपकी हो रही है? उद्धव ठाकरे जी का फोन आया था, कांग्रेस से बात हुई थी मेरे साथ ही। पटेल साहब मेरा सवाल है भाई। जैसे कहा गया कॉमन मैन प्रोग्राम है, बाकी चीजें हैं, अगर तीन पार्टी है तो काफी कुछ मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है। आप गवर्नमेंट के लिए कब क्लेम करने वाले हैं? जिस दिन हमारे सहयोगी और हमारे बीच में बात हो जाएगी, स्पष्टीकरण हो जाएगा, उसके बाद शिवसेना के साथ बात होगी, उसके बाद हो। रश्मि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। रश्मि उद्धव ठाकरे हमने इसका डिस्कशन ही शुरू में किया, चलिए हमसे पहली बार बात होगी और इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनकी नीति क्या है, उनकी चयनी क्या है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, चुनाव के लिए हमारा कॉमन मैनिफेस्टो था और इसलिए हमारे आपस में कोई रुकावट नहीं या कोई कमियां नहीं, मगर जब इनके साथ बैठेंगे तब हम नीचे बात करके अभी बात करने की प्रक्रिया हमने शुरू की है और इसलिए आज इसका कहना ठीक है। राज्यपालांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने पत्र दिलंय अशी माहिती आहे, बाहेरही खरी आहे जी राज्यपालांचं पत्र आहे, त्याची बाहेर चर्चा करण्याची काय कारण नव्हतं। पत्रामध्ये आम्ही एकच कळवलेलं होतं की काँग्रेस आणि आम्ही एकत्रित निवडणूक लढवलेल्या आहे आणि त्यामुळं आम्हाला आमच्या सरकारी पक्षाशी बोलायच्या नंतर आम्ही या संबंधीचा प्रकृत त्या सचिवांना वेळ द्या, त्यांनी ते मान्य केले दिसत नाही। एक प्रश्न आहे की आपने अभी सपोर्ट करने का निर्णय लिया है, शिवसेना के साथ जाने का निर्णय लिया है? अभी 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 कोई बात नहीं, अभी तो कहा गया पहले हम चक्कर करेंगे हमारे जो बातें हैं उसके बाद ही शिवसेना के साथ बात करेंगे। इसीलिए
गोवा हाथ से चला गया और अब महाराष्ट्र में भी उसी तरह की देरी हो रही है। पहले आप लोगों ने देरी की, इसमें गोवा आप में सरकार देरी बिल्कुल भी नहीं कर रही। हाँ, अप्रोच किया गया और इमीडिएटली हम आज आ गए, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी यूनिटी। अरे पांडे जी, अहमद साहब क्या विचारधारा का? पांडे जी पूछ रहे, प्लीज प्लीज जरा वन बाय वन पांडे जी बोलो। जिस तरीके से कल शिवसेना की जो अवधि थी वो 7:30 बजे समाप्त होनी थी, वहाँ पर बताया जा रहा है कि लगातार आपके संपर्क में थे, आखिरी समय तक उनको उम्मीद थी कि आप लोगों की तरफ से लेटर इश्यू हो जाएगा और सरकार बना लेंगे, जिस तरीके का प्रेस रिलीज। किसने क्या कहा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो आज कहा मैं वो सही कह रहा हूँ कि कल ही हमें अप्रोच किया गया, उसके बाद हमने तुरंत यूरोदी एनसीपी का कांटेक्ट किया और आज हमारी बैठक हुई। इसमें कौन सा देनी होगी, कौन सा देनी होगा, मेगा टाइम्स ना, मेगा टाइम्स ना, विचारधारा का टकराव होगा कि नहीं, मेगा टाइम्स ना। सर माइक दे जरा, दिसत नाही बरं। Options of discussing this alliance further, even further, going on from here. Look, first, I have already spoken to you, always told you, okay, first we will discuss with our ally. After that, if there will be a unanimity between us on certain points, then we will discuss with you, my Shiv Sena. Atul Kulkarni, Atul Kulkarni, Lokha. No, bhai. Ahmed bhai, jab tak aapka decision nahi hota, tab tak aapke MLA Jaipur mein hi rahenge kya? जी बिल्कुल नहीं। कितने दिन रहेंगे वो? काफी एमएलए तो हमारे आ गए हैं एंड ऐसा कोई बंदे नहीं हमारे एमएलए। एनडीटीवी सिंह साहब, पवार साहब, एनडीटीवी एक आप आंदोलन प्लीज। अमर पटेल जी, आप लोग ने जो पत्र पढ़ा है उसमें ये साफ है कि शिवसेना ने आपसे संपर्क किया है, आप लोग इसने मुझे साफ किया। राज्यपाल के फैसले पर आपको इतराज है, लेकिन आप क्यों फैसला नहीं ले पाए? जैसे कहा गया कि कल पहली बार हमें अधिकृत तरीके से हमारा संपर्क किया गया, शरद जी का भी संपर्क किया गया, एनसीपी का, तो ये बिल्कुल जरूरी है क्योंकि वो पहले चुनाव लड़े हैं बीजेपी के साथ, सहयोगी के तौर पर हम लोग साथ साथ लड़े हैं, तो जहां तक हमारा सहयोग है हम लोग आपस में, हमारे बीच में कोई फैसला नहीं हो जाए, कुछ बिंदियों पर स्पष्टीकरण नहीं हो जाए, कॉमन मोबिन मिनिमम प्रोग्राम बाकी चीजें, वहां तक कैसे निर्णय हो? ये सब्जेक्ट हमारे सामने नहीं, सरकार बनाना है या नहीं, सरकार बनाना है तो किस मुद्दे पर सरकार बनाना हो तो इसकी नीति क्या रहेगी, इस पर पहले आपस में हमारी बात होगी और इसके बाद ही आप जो पैसे वो इश्यू आ सकते हैं। यहाँ सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ये बात हमारे सामने आज नहीं है।